आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और डेरी गाय खरीदो फरोख्त फेसबुक पेज पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में बछड़ियों के कारोबार के हवाले से चौधरी जायद रफीक साहब से कुछ बातचीत करेंगे और उनसे इस कारोबार के हवाले से कुछ सवाल पूछेंगे, जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जायद भाई, आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी खुश आमदीद। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम जो शुरू किया है उसमें तो आपकी मोहब्बत है और दोस्तों की भी मोहब्बत है, इंशाल्लाह ऐसे ही प्रोग्राम आपके साथ करते रहेंगे। जी जी बहुत शुक्रिया। जी जैद भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो लोग भी बछड़ियों का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनको कौन सी नस्ल की बछड़ियों का इंतखाब करना चाहिए और उन बछड़ियों की उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी छोटी बछड़ियां हों या ऐसी बछड़ियां हों जो कि क्रॉस होने के काबिल हों? जी सबसे पहले तो तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों पेज को ज़रूर फॉलो करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको इंशाल्लाह नई वीडियो मिलेगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन देगी। आज का जो सवाल इमरान भाई ने हमें जो उठाया है वो बछड़ियों को कौन सी बछड़ियाँ होनी चाहिए और किस नस्ल की होनी चाहिए और क्या एज उनकी होनी चाहिए, तो उसके मतलब आप दोस्तों को बताते हैं। सबसे पहले जब आप दोस्तों ने बछड़ियाँ ख़रीदनी हैं, कोशिश ये करनी है आप अपने इलाके के हिसाब से मौसम को देखें कि आपके इलाके का मौसम कैसा है, मतलब टम्परेचर उसका कितना है, सर्दी ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है। अगर आपका टम्परेचर आपके इलाके का, पाकिस्तान में मतलब चार मौसम है और कई इलाके ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छा मौसम रहता है, जैसे इस्लामाबाद मरी अपर पंजाब की तरफ बहुत अच्छा मौसम रहता है, उसमें आप इम्पोर्टेड फ्रीजन क्रास जानवर इम्पोर्टेड फ्रीजन भी रख सकते हैं और इम्पोर्टेड फ्रीजन क्रास भी रख सकते हैं, जर्सी भी रख सकते हैं प्योर। तो जैसा कि जनूबी पंजाब का इलाका थोड़ा गर्म होता है, इस इलाके में जो आप जानवर हैं वो क्रॉस में ही रख सकते हैं, इम्पोर्टेड या प्योर जानवर नहीं रख सकते, क्योंकि प्योर जानवर जो होते हैं वो थोड़ा गर्मी करते हैं और मौसम को वो बर्दाश्त नहीं करते। तो जो जानवर वही लें जो आप अपने मौसम के लिहाज से जो गर्मी बर्दाश्त कर सकते हों। और दूसरे नंबर पे जो बात है कि उनकी एज कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पर और आपके कारोबार पे। आप बछड़ियों की सेल परचेज का काम करना चाह रहे हैं, बछड़ियों को तैयार करना चाह रहे हैं, बछड़ियों को दूध की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है पहले आप किस तरह का सिस्टम आप शुरू कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें सिस्टम हैं, इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे फिर उसके मतलब भी हम गुफ्तगू करेंगे। इनमें से तीनों में से जो भी मेरे सामने आएगा सवाल भी आप किस तरह का काम करना शुरू कर रहे हैं, फिर उस काम के मतलब हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये जो बछड़ियाँ आपने लेनी है उनकी एज जो है वो कोशिश करें कि नियर टू क्रॉस हो, नियर टू इंसेमिनेशन हो, ताकि वो जानवर आपके पास पहुँचते ही वो एक दो माह के अंदर प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाएं और कंफर्म प्रेग्नेंट एक दो माह तीन माह चार माह के अंदर हो जाएं और आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए। दूसरा ये है कि बाकी इलाके के हिसाब से मौसम के लिहाज से आपने जानवर ख़रीदना है क्रॉस में, और दूसरा ये है कि एज जो आपको बताई गई है वो बाकी आपने कारोबार के हिसाब से आपने यही देखनी है कि किस तरह की एज का जानवर आप रख के उसको तैयार कर सकते हैं। जी भाई इमरान जी, बिल्कुल ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो मंडियों की सूरत हाल है या जो जानवरों की कीमतों की सूरत हाल है, आपके अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त वो बछड़ी जो क्रॉस होने के काबिल है वो अंदाजन कितने तक मिल सकती है और फिर उसको कितना अर्सा अपने पास रख कर तैयार करके फिर आगे सेल किया जा सकता है? हाँ जी, तो पहली बात तो कोशिश ये करें कि आपको जो भी आप जानवर लें वो मंडी से ना ख़रीदें, कोशिश करके किसी फार्मर से देखें। अगर कोई फार्मर अपने जानवरों को, जैसे उनके पास फार्मर में मतलब 800-700 जानवरों का फार्म है, तो उनके पास ऐसे जानवर मौजूद होते हैं जो वो निकालना चाह रहे होते हैं, तो इस तरह के जानवर देखें, लेकिन उनमें भी ये देखें कि ये ना हो गए वो भी रिजेक्टेड जानवर सेल कर रहे हों और आप वो ख़रीदने आपको नुकसान हो। मंडी को अगर आपने चूज़ करना है तो फिर भी आप जाके उनको अच्छी तरीके से पहले उनके सींग देखें, फिर उनके
दांत चेक करें, फिर उनके थन वगैरह देखें, फिर उनकी चाल ढाल को तसल्ली करें पहले कि जानवर बिल्कुल फिट है। ऑनलाइन जानवर लेने का जो मैंने ये ट्रेंड शुरू किया था, मुझे पता है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रॉड ही करते हैं। तो हमने तो हमेशा यही कोशिश की कि अच्छा ही जानवर दें, लेकिन अब बहुत सारे दोस्तों के फ्रॉड की वजह से काफ़ी सारे लोगों का कारोबार जो है वो बंद है। और वैसे भी आजकल जानवरों का सेल का जो कारोबार है वो तकरीबन ख़त्म ही हो रहा है, क्योंकि लोग जानवर ले नहीं रहे। वो यही सोच रहे हैं कि जो जानवर उनके पास मौजूद हैं उनसे ही हम जो भी फ़ायदा उठा सकें उनसे ही उठा लें, क्योंकि आगे जो इन्वेस्टमेंट करनी बड़ी मुश्किल हो गई है, जानवर बहुत महंगा हो गया है। जी भाई, जी, अभी आपने रिजेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रिजेक्टेड जानवर नहीं लेना चाहिए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि एक नया आदमी जिसको बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है, वो अगर बछड़ियाँ ख़रीदने के लिए जाता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये बछड़ी ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए? क्योंकि अगर गाय हो तो उसके दूध वगैरह से अंदाज़ा हो जाता है, जबकि बछड़ी वाले मामले में आम फार्मर को कैसे पता चलेगा कि ये जानवर जो है ये ख़रीदने के काबिल है या नहीं है? उसके लिए देखें, आपने अगर आप किसी फार्म से जानवर लेते हैं तो उसमें जो जानवर होता है वो आपको तकरीबन 2 लाख के अराउंड अबाउट मिलता है। तो अगर आपने 5 या 10 जानवर लेने हैं तो आपका तकरीबन 10 लाख रुपए लगना है उसके ऊपर। तो आप 5,000 में एक डॉक्टर हायर करें जो कि आपको आपके साथ जाए फार्म पे, या अगर आप मंडी में भी जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर को साथ लेके जाएं। डॉक्टर को, क्योंकि एक तो वो अंदर से मतलब चेक कर देता है कि इसके अंदर, कई जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर बच्चादानी नहीं होती, कई ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर बच्चादानी होती है लेकिन वो इस काबिल नहीं होती कि उसमें वो बच्चा बना सके या पैदा कर सके, और इसलिए वो जानवर जो हैं वो रिजेक्टेड होते हैं। तो ये जब डॉक्टर अंदर हाथ डाल के उन जानवरों को अच्छे तरीके से चेक कर लेता है तो फिर वो आपको बता देता है कि ये जानवर ठीक है या नहीं। आप अपने डॉक्टर को साथ लेके जाएं, सबसे जो आपने अगर पैसे बचाने हैं, क्योंकि आप 10 लाख के जानवर ले लेंगे, आके आते ही सारे रिजेक्टेड हों तो आपको क्या फ़ायदा, वापस तो फिर किसी ने भी नहीं लेने, ना कोई क्लेम करता है वापस। वो यही कहते हैं, हर बंदा यही कहता है कि भाई आप जानवर जो आपने ले लिया आप चेक कर लें, तसल्ली कर लें। तसल्ली करने के बाद फिर उसके बाद क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि जब एक बछड़ी ख़रीद ली तो अब उसकी तैयारी का मरहला शुरू हो जाता है, तो अब उसकी तैयारी पे अंदाज़न कितना खर्च आएगा और उसको तैयार करके जब उसको सेल किया जाएगा तो उस पर कितने मुनाफे की तवक्को रखनी चाहिए? और इमरान भाई, एक तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा सिस्टम है, प्रोसेस है, इसके लिए हमें एक अलहदा प्रोग्राम रखना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप आम रूटीन में भी जानवर रखें तो आपको 10,000 रुपये महंगाई के दौर में फ़ी जानवर के हिसाब से मंथली, एक महीने का 10,000 रुपये आपका जानवर का खर्चा है। अगर आप क्रॉस होने के करीब जानवर लेते हैं, वो जानवर आपके पास आकर 10,000 रुपये महीना खा रहे हैं और आप 3 माह के बाद, 4 माह के बाद वो आप गबन हो जाता है, चेक करवाते हैं कि वो 3 माह का गबन है आपके पास आके वो प्रेग्नेंट हो जाए, और 3 माह तक वो आपने उसने 40,000 रुपये खा लेना है। और जो नियर टू सेमी नेट जानवर है वो तकरीबन 1.5 लाख के अराउंड अबाउट आम रूटीन में मंडियों में मिलते हैं, जो आम क्रॉस जानवर हैं, जो अच्छे इम्पोर्टेड क्रॉस या फार्मर जो होते हैं वो फार्म पे जो मौजूद होते हैं जानवर, तकरीबन 2 लाख प्लस 3 लाख तक भी मिलते हैं। तो ये जो जानवर 10,000 रुपये मंथली खा रहा है आपका, तो इस हिसाब से देखें कि 9 माह में उसने कितने पैसे मतलब अगर 1.5 लाख का आपने जानवर लिया है तो 90,000 रुपये 9 माह में उसने खा लेने हैं, तो वो 2,40,000 तक आपको जानवर घर में पड़ेगा। अंदाजन आपको तकरीबन 2.5 लाख का जानवर तैयार मिलेगा, वो बिल्कुल तैयार होगा। उसमें फिर आप अगर उसको सेल करेंगे वो 3 लाख सवा 3 लाख, अगर अच्छा तैयार करेंगे, अच्छे तैयार करने के भी फार्मूले हैं वो भी इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, अगर आप अच्छा जानवर तैयार कर लेते हैं वही जानवर 4 लाख का भी सेल हो सकता है। तो वो जानवर आपको 1 लाख भी छोड़ सकता है, 1.5 लाख भी छोड़ सकता है, 50,000 भी छोड़ सकता है, 10,000 भी छोड़ सकता है 9 माह के बाद, और कई जानवर ऐसे हैं वो साल के बाद, कई 1.5 साल के बाद भी तैयार होंगे। तो ये सारी एवरेज होती है कि वो इसके ऊपर एक अलग हम प्रोग्राम रखेंगे, वो आपको बताएंगे जी। जी बिल्कुल ठीक है। मैं अब आपसे आज का आखिरी सवाल पूछता हूँ और वो ये है कि जो लोग भी ये बछड़ियों का कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, उनको आप कुछ ऐसी मोटी मोटी क्या बातें बताएंगे कि जिन पर अगर वो अमल करें तो वो इस कारोबार से होने वाले नुकसान से महफूज रह सकते हैं?
हाँ, बछड़ियों के लिए आपको पहली बात तो है पे जब भी आप जानवर जाहर है आपने कारोबार करना है, उसके लिए आपको जानवर खरीदना पड़ेगा। आपके पास अपना जानवर तो होगा नहीं। अगर कोई जानवर आपके पास अपना होगा भी तो वो इतने नहीं होंगे या इतनी क्वांटिटी में नहीं होंगे कि आप सेल कर सकें। तो आपको 15-20 जानवर तो एट अ टाइम आपके पास मौजूद होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई दोस्त कारोबार करना सेल का चाह रहा है तो उसको 10 से 15 जानवर रखने पड़ेंगे। क्योंकि आने वाले ने, किसी भी दोस्त ने, अगर 15 जानवर आपके मौजूद होंगे आपके पास, तो उसमें से सिर्फ वो 4-5 सेलेक्ट करेंगे, बाकी वो रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए आपको भी पहले सेलेक्ट करने चाहिए जानवर। पहले जहाँ से भी आप जानवर खरीदें पहले उनकी नस्ल को देखें कि आया कि वो जानवर बिल्कुल अच्छी नस्ल का है और अच्छा तैयार होने वाला है, उसकी बढ़ोतरी कैसी है। वो आगे जाके अगर फर्ज करो सेल नहीं भी होता, आपके पास भी रुकता है, तो वो जानवर आपको फ़ायदा दे, नुकसान तो नहीं दे रहा। इस तरह ये चीज़ देखने चाहिए, उनकी नस्ल देखनी चाहिए। क्रॉस में देखें कितना क्रॉस है, 70-30 आपने क्रॉस लेना है, तकरीबन 70% फ्रीजन में हो और 30% साहीवाल या चोलिस्तानी या दूसरा पाकिस्तानी ब्लड हो, उसमें वो जानवर ख़रीदें। और इस ब्लड वाला जो जानवर है वो हर जगह पे हर मौसम में तकरीबन रह सकता है। दूसरा ये है कि काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं। आप जानवरों को देखें, उनके कान चेक करें, लंबे कानों वाला जानवर ना लें, छोटे कानों वाला लें, और उस ऊपर से देखें, ऊपर से बिल्कुल सीधा जानवर हो और पीछे से बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ, पहले ऊपर से जानवर सीधा आ रहा हो फिर नीचे की तरफ ऐसे सीधा हो उसकी टांगे पीछे की, ये नहीं कि टांगे टेढ़ी हों। अगर टांगे टेढ़ी वाला जानवर लेंगे तो वो बढ़ोतरी की तरफ नहीं होगा, वो मचोर हुआ हुआ होगा और वो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करेगा। वो आप भी खरीदेंगे तो आपको भी नुकसान है और आपसे कोई भी लेके जाएगा तो उसको भी नुकसान है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर फिर हम एक अलग प्रोग्राम बनाएंगे। ये मैंने ये शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें मतलब आप तक पहुँचाई है, दोस्तों तक भी, और आपने जो पूछा है मैंने भी कोशिश किया कि इसमें आपको कवर अप कर दूँ। जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जायद भाई। जी नो प्रॉब्लम भाईजान, मैं हाज़िर हूँ। किसी तरह की भी इन्फॉर्मेशन आपको और दोस्तों को, देखने वालों को चाहिए होगी तो मैं हर टाइम हाज़िर हूँ। जी बहुत शुक्रिया जायद भाई। जी ठीक है, आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से भी ज़रूर नवाज़ा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।